हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रमेश रामटेके। उठे गगन यह सारा समंदर छोड़े अपना किनारा, जब हिल जाए जहान सारा तब गूंजे जय भीम का नारा। क्या आप जानते हैं कि यह जय भीम शब्द कहाँ से आया, किसने सबसे पहले यह जय भीम बोला और यह जय भीम की शुरुआत कहाँ हुई और कौन है व्यक्ति जिसने सबसे पहले जय भीम बोला था? तो आप हम यह जानेंगे कि यह जय भीम से अपन को ताकत मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। सब शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ जय भीम है, जय भीम से ही अपने क्रांति शब्द है। तो आज हम जानेंगे कि यह जय भीम शब्द कहाँ से आया और इसका जनक कौन है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा बाबू हरदास एलियन, जो कि इनका पूरा नाम है लक्ष्मण नगरारे। ये कामठी में रहने वाले थे और ये अम्बेडकरी चलवड़ी के एक कार्यरत थे, क्योंकि जब बाबू हरदास एलियन अपने घर से बाहर जाते थे तो वहाँ पे हर समुदाय के वहाँ पे लोग रहते थे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हर समाज के वहाँ पे लोग रहते थे। और जब हिंदू भाई अपने हिंदू भाई से मिलता है तो वो राम राम कहता था, वो अलग अलग शब्द यूज करते थे। लेकिन और जब मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई से मिलता है तो अक्सलाम वाली को अक्सलाम ऐसा कहता था। तो बाबू हरदास एलियन के मन में यह विचार आया कि क्यों ना अपन अम्बेडकरी समाज वाले हैं तो कुछ ऐसा शब्द रखा जाए जो कि एक क्रांतिकारी शब्द हो जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी। तो उसने सबसे पहले जय भीम कहा था बाबू हरदास एलियन ने। और बाबू हरदास एलियन जब अपन जय भीम कहेंगे तो दूसरा अगले वाला व्यक्ति वो बल भीम कहना चाहिए। तो बल भीम कुछ दिन तक चला, बाद में वो थोड़ा पीछे हट गया। और अगर हम जय भीम कहते हैं तो दूसरा आगे वाला भी व्यक्ति अभी जय भीम कहता है। तो यह जय भीम के जनक है बाबू हरदास एलियन, और यही जय भीम आज पूरे दुनिया में छा गया है। और भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में जय भीम का शब्द कहते हैं। जय भीम एक ऐसा शब्द है जहाँ को एक अपना एक ऊर्जावान शब्द है। तो बाबू हरदास एलियन की आज 6 तारीख है और 6 तारीख को 6 जनवरी को बाबू हरदास एलियन का जन्मदिन है। तो उनको हम नमन करते हैं। तो उनके लिए कुछ खास शायरी हो जाए। 100 बार चमन महका 100 बार बाहर आई 100 बार चमन महका 100 बार बाहर आई, लेकिन ग्रुप में रौनक तब आई जब जय भीम की आवाज़ आई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को यह पता चले कि यह शब्द कहाँ से आया और इसकी शुरुआत कब हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।